घाटी में अब आतंकियों को जहन्नम पहुंचाने के लिए फूल प्रूफ प्लान की तैयारी शुरू हो गई है। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में बैक टू बैक आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियां फुल एक्शन में हैं। कठुआ में हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें घुसपैठ और आतंकियों के पूरे तरह खात्मे की तैयारी पर बात शुरू हो चुकी है। मीटिंग में पंजाब और बीएसएफ के डीजीपी समेत कई आला अधिकारी शामिल हुए हैं और ये मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर हालात पर हाई लेवल मीटिंग के बाद फॉलो अप हुई है, जिसमें सीडीएस जनरल अनिल चौहान और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी भी शामिल हुए थे। अब क्या आने वाले दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिलेंगे, करते हैं चर्चा बड़े पैनल के साथ मगर इस रिपोर्ट के बाद। घाटी में अब आतंकियों पर होगा फाइनल प्रहार। जम्मू के कठुआ में आतंकियों के कायराना वारदात के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। आतंक का सफाया करने के लिए कठुआ में हुई हाई लेवल मीटिंग। मिली जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में पंजाब से जम्मू कश्मीर तक सीमा पर घुसपैठ और आतंकियों की पूरी तरह खात्मे की तैयारी के नए सिरे से रणनीति तैयार की गई है। बीते 10 जुलाई को कठुआ में आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला किया था। इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे जबकि 5 जवान जख्मी भी हुए थे। आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में गुस्सा है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जम्मू कश्मीर के हालात पर हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें सीडीएस जनरल अनिल चौहान और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक सेना के एलीट पैरा यूनिट को जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ चुनिंदा इलाकों में बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है। वहीं सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए डोडा जिले की ऊंचाई वाले जंगलों के इलाके की घेराबंदी तेज कर दी है। आतंकवादियों की तलाशी अभियान का दायरा बढ़ाते हुए स्पेशल कमांडो को तैनात किया गया है। ड्रोन्स की भी मदद ली गई है। खोजी डॉग्स के अलावा हेलीकॉप्टर और एवी निगरानी के जरिए आतंकियों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि 3 विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर तलाशी और घेराबंदी अभियान के बाद शुरू हुई। इस तरह 5 जवानों की शहादत का बदला लेने के साथ ही घाटी में आतंक की पूरी तरह से सफाई करने का प्लान तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और गेस्ट पैनल से आपका तारुफ करा दूं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ अश्विनी भट्ट, कश्मीरी एक्टिविस्ट बलजीत सिंह कसाना, पूर्व डीजीपी बीएसएफ और इरफान खान, पत्रकार न्यूज एंकर पाकिस्तान से हमारे साथ शमूलियत करेंगे। मगर सभी गेस्ट की इजाजत से पहले मैं नाजरीन को कुछ दिखाना चाहती हूँ। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में कब कब हमले हुए हैं, जरा स्क्रीन पर गौर फरमाइएगा। 4 मई में पूंछ एयरफोर्स के काफिले पर हमला, 9 जून को जम्मू में वैष्णो देवी जा रही बस पर फायरिंग, 9 श्रद्धालुओं की मौत, 41 घायल, 11 जून को डोडा में सेना और पुलिस के ज्वाइंट चेक पोस्ट पर हमला, 11 जून को कठुआ में सेना के काफिले पर हमला, 1 आतंकी ढेर हुआ, 12 जून को कठुआ में सर्च ऑपरेशन में दूसरा आतंकी ढेर, 19 जून को बारामूला में सेना के काफिले पर हमला, 2 आतंकी ढेर, 2 जवान घायल, 22 जून को उड़ी में सुरक्षा बलों पर फायरिंग जिसमें 2 आतंकी ढेर, 26 जून को डोडा में सेना आतंकियों के बीच फायरिंग जिसमें 3 आतंकी ढेर हुए, और 7 जुलाई को कुलगाम आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 6 आतंकी ढेर हुए, और फाइनली 8 जुलाई को कठुआ में सेना के काफिले पर हमला जिसमें 5 जवान शहीद और 5 घायल। यूके देवनाथ जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। बहुत से वजूहात बताए जा रहे हैं कि क्यों कश्मीर के मुकाबले 2 दशकों से पुरामन शांतिपूर्ण जम्मू में टेरर अटैक्स का इजाफा हुआ है। क्या एक वजह यह हो सकती है कि गलवान फेस ऑफ के बाद ट्रूप्स की बड़ी संख्या लद्दाख के LAC पे शिफ्ट की गई, तो जमीनी सतह पे इंटेलिजेंस की कमी पेशी आ रही है? जी हाँ याना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि गलवान के घटना के बाद काफी बड़ी तादाद में जम्मू से और दूसरी जगह से भी J&K के
ट्रुप्स को शिफ्ट कर दिया गया गलवान की तरफ पूर्वी लद्दाख में। हमने एक और चीज जो हुई है वो ये है कि क्योंकि सिक्योरिटी पोजीशन बीच में थोड़ा अच्छा हो गया था, तो इसीलिए केंद्र सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने ये भी डिसाइड किया था कि आस्ते आस्ते कश्मीर में आरआर बटालियंस जो हैं, राष्ट्रीय रक्षा बटालियन जो हैं, उनको कम करके वहां पर सीआरपीएफ और केंद्रीय सीआरपीएफ और बीएसएफ की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अमरनाथ यात्रा के लिए करीबन 60,000 ट्रुप्स को घाटी में जमा करना पड़ा है, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, इंडियन आर्मी हो और जेएनके पुलिस हो, इन सबको कश्मीर वैली में घाटी में अमरनाथ यात्रा की प्रोटेक्शन के लिए तैनात कर दिया गया है। तो इसके लिए भी, इससे भी, इस वजह से भी कुछ जो ट्रुप्स हैं वो जम्मू एरिया में, जम्मू कठुआ नौशेरा पुंछ एरिया में कम हुए हैं। शायद मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के आका बैठे हैं उनकी ब्रीफिंग ये थी कि अमरनाथ यात्रा के लिए कोई दुर्घटना वहां पर, कोई वहां बड़े घटना को अंजाम दिया जाए, लेकिन वहां पर जमीनी सिचुएशन ऐसी थी, फौज की और पुलिस की इतनी मजबूती थी जमीन पर और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी चप्पे चप्पे पर आंख कान नजर रखी हुई थी कि आतंकवादियों को मौका नहीं मिला। तो इसीलिए इनके आकाश ने अभी बता दिया कि ठीक है, आप पीर पंजाल के दक्षिण में आ जाइए, पीर पंजाल के पश्चिम में आकर हमले कीजिए। एक बड़ी इनके लिए चीज ये है कि आने वाले समय में कश्मीर में प्रोविंशियल स्टेट असेंबली की इलेक्शन होने वाली है, तो वो चाहते हैं कि इलेक्शन के पहले वहां पर माहौल खराब किया जाए, खासतौर से जम्मू में जहां पर कि पहले माना जाता था कि शांति है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नजर इस पर गई है और आज ही होम मिनिस्ट्री के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और होम मिनिस्ट्री ने पूरा भरोसा दिलाया है कि वहां पर चुनाव सही ढंग से होंगे। जी, चुनाव की बात पर हम आएंगे जरूर यूके देवनाथ जी, लेकिन आपने आतंकियों की आका का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि पाकिस्तान से भी एक गेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास जाना चाहूंगी। इरफान खान साहब, वैसे तो फारूक अब्दुल्ला ने बयान बदल दिया है, लेकिन अक्सर कुछ कश्मीरी लीडर ये नसीहत दिया करते थे कि दहशत को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच डायलॉग होना चाहिए। चलिए भारत एक्सप्रेस पे डायलॉग की शुरुआत कर लेते हैं, क्यों ये सिलसिला नहीं रोक पा रहे हो? जब आपके यहाँ कोई बंदूक उठाता है तो वो दहशतगर्द, मगर वहां से निकल के जो भारत में बंदूक उठाता है वो मुजाहिद, क्यों हिंदुओं की जान जान नहीं है? क्या हिंदू इंसान नहीं होते? देखिए, डायलॉग बहुत जरूरी है, हमेशा डायलॉग से ही बात आगे चलती है। जब तक डायलॉग नहीं होगा तब तक ये बंदूकें उठती रहेंगी, तब तक ये लड़ाइयां होती रहेंगी, तब तक ये फसाद होता रहेगा। और बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डायलॉग होना चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड होनी चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर वाला मामला है वो ठीक होना चाहिए। कश्मीरी, देखिए, कश्मीर पे इतने अरसे से आप काबिज हैं, लेकिन आज तक आप वहाँ पे अमन नहीं ला सके, आज तक आप वहाँ पे उनकी आवाज़ को दबा नहीं सके हैं। वो बुरहान वानी हो, वो कोई भी हो, वो आप उनकी आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। वो एक ऐसा जज्बा है, वो एक शहादत का जज्बा है जिसको आप नहीं कुचल सकते हैं। तो जब तक डायलॉग नहीं होंगे, जब तक उन विल ऑफ पीपल नहीं होगी, तब तक ये यूं ही चलता रहेगा मामला। और सिर्फ टेररिज्म इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में भी बहुत नुकसान हो रहा है। आए दिन पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो शहीद हो रहे हैं टेररिज्म में। अभी कल मैं अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहा था कि हमारा एक कैप्टन शहीद हुआ और 3 दिन पहले 2 कैप्टन शहीद हुए और 4 सिपाही शहीद हुए, उससे पहले एक मेजर शहीद हुआ। तो उनको मारने वाले क्या पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं? आप लोग भी मतलब काबिज हो किसी पे, अगर आप हम पर काबिज होने का इल्जाम लगा रहे हैं। वैसे हैरानी की बात है कि आप कश्मीरी को ही कह रहे हो कि आप काबिज हो कश्मीर पे, बहुत ही हैरानी की बात है। खैर, मैं दूसरे गेस्ट के पास जाना चाहूंगी। अश्विनी भट्ट जी, क्या इन्होंने बुरहान वानी का जिक्र किया तो क्या दुनिया को दिखाने के लिए ये अटैक्स हो रहे हैं कि कश्मीर अब भी आजादी की उम्मीद रखता है?
क्योंकि 2016 में इसी जून जुलाई के महीने में बुरहान वानी को मारा गया था जो आजादी की मुहिम चला रहा था। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको कॉन्टेक्स्ट में पुट करने की कोशिश करूंगा। नंबर एक कहना जी, ये जो अभी जम्मू सेक्टर में जो ये अटैक्स हो रहे हैं ये ओवरनाइट नहीं है। जहां जहां पर भी जम्मू में ये अटैक्स आतंकवादी हमले हुए हैं, अगर वहां की आप डेमोग्राफी और टोपोग्राफी देखें, पिछले 15 से 20 साल से रोहिंग्याज को इन एरियाज में सेटल किया गया, फैसिलिटेट किया गया और लॉजिस्टिक सपोर्ट, लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के बिना ये अटैक्स पॉसिबल नहीं है। अगर अभी मुझे किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के यहाँ अगर दिल्ली में अभी भी जाना हो, अनलेस एंड अंटिल मैं जीपीएस का एड्रेस डालूं, शायद मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा जबकि मैं यहीं रहता हूं। तो रोहिंग्या बर्मा से ऑल राइट फ्रॉम बर्मा वो जम्मू के स्ट्रेटेजिकली एरियाज में जहां पे आर्मी कैंप्स हैं और उन एरियाज में खूब फैसिलिटेटेड दैट, ये इट्स अ पार्ट ऑफ द बिगर प्लान। कश्मीर में अब इनको बिकॉज कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन कराना थोड़ा सा इट्स बिकमिंग अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान, तो जम्मू में ये एक तो इजी हो रहा है और दूसरा इट इज कैचिंग आईबॉल्स। जम्मू में एक या जम्मू या जम्मू के बाहर अटैक करना, इट क्रिएट्स मोर पैनिक, इट क्रिएट्स मोर मीडिया न्यूज, सो वो एक इंटेंट है। सेकेंडली हमें टैक्टिकली इसको लोकल लेवल पे ये जितने भी मिलिटेंट, ये जितने भी टेररिस्ट हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, इनको तो मार कराया जाएगा, ये चूहों को तो इनको तो बिल से निकाल के इनका एनकाउंटर तो होगा ही होगा। मगर एट ए स्ट्रेटेजिक लेवल जब पाकिस्तान बहुत इकोनॉमी बहुत डाउन थी, डोल्ड्रम्स में थी, वी एक्सटेंडेड अ फिग लीफ टू देम। हमें सीज फायर के लिए एग्री नहीं करना, ये मुल्क जो दो वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकता, ये दो गोलियां दे के नॉट बाई दो गोली खरीदने के हैसियत नहीं इनको। तो अभी वी शुड एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल वी शुड एंड, हमें ये जो सीज फायर हमने उनपे एहसान करके पाकिस्तान पे सीज फायर इनके साथ एग्री किया है उसको। मगर अश्विनी जी आप सीज फायर खत्म करने की बात कर रहे हैं लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि बॉर्डर पर कई हमारे लोग रहते हैं और उनके घर, उनकी दुकानें उजड़ जाती हैं, उनकी स्कूलें उजड़ जाती हैं इस शेलिंग की वजह से जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग होती है। बहरहाल मैं आपके पास वापस आऊंगी, बलजीत सिंह से रिस्पांस लेना चाहूंगी क्योंकि आप बीएसएफ में होते थे, हुआ सर्विस करते थे बलजीत सिंह जी। बीएसएफ वो तंजीम है जिसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि इन्फिल्ट्रेटर्स, ड्रग्स या हथियार को बॉर्डर के इस पार ना आने दें। अभी अश्विनी जी ने रोहिंग्यास का भी जिक्र किया, चाहे वो रोहिंग्या हो, रेफ्यूजी हो या टेररिस्ट हो, वो भारत में घुस आ रहे हैं, क्या हम ये मान लें कि सबसे पहले और सबसे बड़ी चूक बीएसएफ से हुई? देखिए इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि 365 दिन होते हैं और जवान 365 दिन वो ड्यूटी देता है बड़ी मुस्तैदी से, उसको एक दिन चाहिए और वो इंतजार करता रहता है, जिस दिन उसको जरा सा एक दिन कहीं कैसे ही मिलता है उस दिन वो अपना काम कर जाता है। लेकिन इसमें इसके अलावा कि जहां तक बात है, बीएसएफ पाकिस्तान बॉर्डर को भी मैन कर रही है, बांग्लादेश बॉर्डर को भी मैन कर रही है, और जैसा अभी हमारे साथी ने जिक्र किया कि अमरनाथ की यात्रा की वजह से कितने ही ट्रूप्स यहां से डाइवर्ट कर दिए गए हैं यात्रा के लिए, तो जो कंसंट्रेशन ट्रूप्स का होना चाहिए वो वहां नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण। इसके अलावा एक मैं और बात कहना चाहूंगा, जब से धारा 370 हटी है जी, वैली की पोजीशन एकदम चेंज हो गई है। अभी आपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले बताया कि बारामूला में एनकाउंटर हुआ, उड़ी में एनकाउंटर हुआ, फिर बारामूला में दूसरा एनकाउंटर हुआ, कुलगाम में हुआ, तो जहां भी वहां फोर्स इतनी ज्यादा मुस्तैद है और प्रोफेशनल है कि वहां तुरंत ही उनको वो नेस्तनाबूद कर देते हैं। अब उनको ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, उन्होंने देखा है कि भाई वहां कश्मीर में तो हम सफल हो नहीं रहे हैं, तो उन्होंने जम्मू को हॉट करना शुरू कर दिया है। जब वारदात होती है, बड़ा फायर फाइटिंग हम डिस्कस करते हैं और इसके बारे में,
अगर आप पिछले 6 महीने की वारदात देखें तो जम्मू में कई वारदात हो गई है और वो जम्मू को की तरफ ही स्विच ओवर कर रहे हैं। कश्मीर में इनिशिएटिव हमारी तरफ से होता है और जम्मू रीजन में इनिशिएटिव वो लेते हैं, फिर हम उसको काउंटर अटैक करते हैं। तो इसके लिए हमको अपनी जो स्ट्रेटेजी हमारे काउंटर पार्ट की समझनी होगी, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, कश्मीर में कोई वारदात हो नहीं रही है, दुनिया का ध्यान कश्मीर से हट गया है। अब उन्होंने ये देखा है कि भाई जम्मू कश्मीर में अगर कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं तो पहले भी जम्मू रीजन में, चाहे वो डोडा था, किश्तवाड़ था, गुल था या रियासी या कंडी, इन क्षेत्रों में पहले भी वारदात होती रही है। इसके अलावा मगर बलजीत सिंह समय समय जी जी जो मिलिटेंट हैं वो टनल खोद कर उसके फेल्ड अटेम्प्ट करते रहे हैं हमारे साइड में आने के लिए, और बीएसएफ की मुस्तैदी से वो टनल्स डिटेक्ट होती रही हैं। यूके देवनाथ जी, अक्सर देखते हैं कि अटैक्स हो जाने के बाद सुरक्षा एजेंसीज हरकत में आ जाती हैं, मगर स्लीपर सेल्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेक्सस को पहले ही खत्म क्यों नहीं कर देते ताकि अटैक्स होने से पहले इनको कंट्रोल किया जाए? जी हाँ याना जी, जो घाटी में स्लीपर सेल्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, अंडरग्राउंड वर्कर हैं, ये सब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगाह में है। जो लोकल CID होती है, LIU की यूनिट्स होती हैं, और जो मिलिट्री पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, इनको चप्पे चप्पे की खबर होती है। दिक्कत यह है कि हमारे पास क्लियर ऑर्डर है कि सिर्फ शक की वजह पर हम किसी को जाके परेशान नहीं कर सकते, जब तक कि 2 या 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट जगह से ये पुष्टि ना हो जाए कि फलाने फलाने गांव में फलाने फलाना व्यक्ति जो है वो जरा डाउटफुल है। हम ये फॉलो करते हैं फौज में, पुलिस में, मेरे DIG साहब BSF के हैं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी इनोसेंट सिविलियन को हम परेशान करें, क्योंकि अगर एक इनोसेंट सिविलियन को परेशान किया जाता है, बेवजह उसको पुलिस में जिरह के लिए या इंटरोगेशन के लिए लाया जाता है, तो वहां क्या होता है कि उसके जो 10 दूसरे दोस्त हैं, उसके जो 20 रिलेटिव हैं, वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के विरुद्ध साइकोलॉजिकली तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए फूक फूक कर ही डाउटफुल एलिमेंट्स को टैकल किया जाता है। युद्ध जैसी स्थिति जब होती है तब मामला थोड़ा अलग होता है। जब युद्ध जैसी स्थिति होती है, जो लोकल कमांडर है वो कुछ हद तक पुलिसिंग कार्रवाई अपने हाथ में ले सकता है, लेकिन आम तौर पर फिलहाल क्योंकि वहां पे शांति है, तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे DM हो, SDM हो या मैजिस्ट्रेटियल दूसरे ऑफिशियल्स हैं, उनकी दरकार पड़ती है किसी को अरेस्ट करने के लिए। बलजीत सिंह जी मेरे साथ हैं, हम सब जो हैं बहुत केयरफुली ऑपरेट करते हैं कि आम आदमी, आम सिविलियन, उसको कोई तकलीफ ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। तो हम लोग प्रीएम्प्टिव यानी हरकत करते हैं प्रीएम्प्ट करने के लिए, लेकिन वो हरकत हम इस तरह से करते हैं कि वो एग्रेसिव ना हो जाए, उससे किसी आम सिविलियन को, और जाहिर बात है कि इसी का फायदा उठाया जाता है। बहरहाल इरफान खान साहब, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल सुन लीजिए कि पहले कश्मीरियों को जख्म दिए उन्हें आज़ादी के ख्वाब दिखाकर, फिर सिखों को जख्म दिए उन्हें खालिस्तान के सपने दिखाकर, अब डोगराओं को भारत से अलग करने की साजिश हो रही है क्या? 3 बातें मैं ऐड करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले जो आपका पैनल है ये बहुत सेंसिबल लोग हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, बट इसमें डायलॉग की कमी है। सारे जंग की बात कर रहे हैं, लड़ाई की बात कर रहे हैं, युद्ध की बात कर रहे हैं, अपनी अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बता रहे हैं, क्यों डर तो नहीं लग रहा? डायलॉग को भी ऐड कर लेना कि कभी भी सबसे पहले तो हमें किसी भी मसले की ये देखना है कि वो मसला उठा क्यों, जंग हो क्यों रही है, लड़ाई हो क्यों रही है, अग्रेशन क्यों है कश्मीरियों के अंदर। कश्मीरियों का मुतालबा है आजादी, आजादी, फ्री टू गो एनीवेयर, मसाजिद में जाने की आजादी, मस्जिदों में जाने की आजादी, प्रे करने की आजादी, उनको अपना हक लेने की आजादी, उनकी जो औरतें हैं उनकी इज्जतें नीलाम ना हो, जिस तरह से चलिए आप कश्मीर आए नहीं है तो आप कश्मीर आए नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी आजादियां हमें फरहाम हैं ऑलरेडी, तो हम क्यों लड़ेंगे इन आजादियों के लिए, क्योंकि ये सब ऑलरेडी हमें आजादी मिलती है जी।
देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि मसला कहाँ पे आ रहा है, और मसला कैसे आ सकता है, हमें आजादी जब चाहिए नहीं, जब मिल चुकी है सारी आजादी, आप प्रे करने की आजादी कह रहे हैं, आप खवातीन की अजमत की बात कर रहे हैं, हमें सारी आजादी है, अब और कितने जोर से बोले कि हमें सारी आजादी है। लेकिन ये आपके बीएसएफ के बैठे हैं डीआईजी साहब और बाकी भी पैनलिस्ट हैं, इनको पता है, इन्होंने सर्व किया है, इनको पता है कितना जुर्म हो रहा है वहां पे। लेकिन मैं आपने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में डायलॉग की बात की, मैं ये चाहता हूं कि क्यों ना कनाडा और यूएस की तरह इंडिया और पाकिस्तान भी दोस्त रहें, क्यों ना फ्रांस की तरह जर्मनी की तरह हम दोस्त रहें, ट्रेड हो पाकिस्तान कैसे हो सकते हैं इरफान खान साहब, दोस्त कैसे हो सकते हैं जब आपके यहाँ से मुजाहिद यहाँ आते रहते हैं जिहाद करने के लिए, और फिर आप उनको बनस्बत इसके कि उनको आप दहशतगर्द तंजीम कहें, आप उनको एनजीओ की या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का रुतबा दे देते हैं, तो कैसे आप जो हमारे दुश्मन हैं उनको आप पनाह देंगे, तो कैसे हम दोस्ती की बात कर सकते हैं। अश्विनी भट्ट जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है और तैयारी भी फुल स्विंग है कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने के, क्या ये अटैक्स आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले डर फैलाने के इरादे से हो रहे हैं? अश्विनी भट्ट जी खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, am I audible? Yes. Okay. ये देखिए यारा जी, पाकिस्तान जो है ये इस अर्थ पे, इस धरती पे ये कैंसर नुमा है। इनका कोई भी, इनका जो कोई भी पड़ोसी इनसे ना बात करना चाहता, और इनसे इनसे चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो, और हम भारत तो हैं ही तंग आ चुके हैं। तो टैक्टिकली लोकली जो हमें कदम लेने हैं, जो हमें करना हो तो हम करेंगे ही, मगर वी नीड टू टेक दिस वॉर अक्रॉस, दिस फाइट अक्रॉस टू द बॉर्डर। इनको उसी भाषा में समझाया जाए जो ये भाषा इसे समझते हैं। प्यार की भाषा एक पाकिस्तान जैसे देश के साथ ये वो बिल्कुल फजूल है, उसका कोई मतलब नहीं है। इनको सर्जिकल स्ट्राइक्स लास्ट टाइम जब हमने करी थी, दो चार साल ये बिल्कुल चुबक के चुप बैठे, भीख मांगी इन्होंने सीज फायर की, और हमसे ये गलती हो गई कि हमने इनको क्षमा कर दिया, इनको माफ कर दिया। हीट अप द बॉर्डर, टेक द फाइट ऑन द अदर साइड। ढाई दिन का तो इनके पास राशन नहीं है, तो ये खाक लड़ेंगे। ये तो बुजदिलों के जैसे ऐसे ही रेडिकलाइज वहां यूथ को आजादी के ख्वाब दिखा के यहाँ भेजते हैं। और मुझे तो हंसी आ रही थी याना जी, आप कश्मीरी हैं, मैं कश्मीरी हूँ, एक नॉन कश्मीरी पाकिस्तान बता रहा है बिल्कुल कि हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी नहीं मिल रही है, एक नॉन कश्मीरी, तो छोड़िए एक ऐसा बंदा जो कश्मीर कभी आया ही नहीं है, वो हमें बता रहा है कि हमें आजादी नहीं है। इरफान खान साहब, इरफान वानी को 8 years हो गए उनकी शहादत को, और सैल्यूट है उनको। जिस अरे बुरान वानी वाज अ ड्रगिस्ट, ये चर्चा होती रहेगी। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त हमारे पास आज इतना ही था। दुश्मन की वजह चाहे कुछ भी हो, मगर अगर दुश्मनी निभानी है तो भारत अब कदम पीछे नहीं बढ़ाएगा, ना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएगा। भारत पर हजार जख्म देने वाले मंसूबेकारों को जवाब देने के लिए अब हमारी सुरक्षा कर्मी तैयार हैं, क्योंकि भारत के वीर जवानों का बदला अभी बाकी है। दुश्मन का ये सोचना कि भारत हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा।